सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का पहली कक्षा में। तो कल के क्लास में मतलब फ्राइडे के क्लास में हमने क्या देखा है, उ की मात्रा ह्रस्व उ और दीर्घ उ का हमने अभ्यास किया था, है ना। सो वो लिखा है कि नहीं आप सभी ने, ओके। तो आज क्या देखेंगे, वही ह्रस्व उ और दीर्घ उ इसकी मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के नीचे लगाते हैं, व्यंजन के नीचे। सो उस मात्रा हर एक व्यंजन में कैसे लगती है वो हमने पहले क्लास में देखा है। तो उस मात्रा लगाकर शब्द कैसे बनाना वो आज हम सीखेंगे, ओके। तो अभी देखो, मैंने लिखा है आपको ग, ग में उ की मात्रा मिलाना है। सो ये उ की मात्रा, ओके, ग प्लस उ, ग प्लस उ की मात्रा। हाँ, तो कैसे हो गया, भू, ग में ये भू की मात्रा मिले तो भू, भू से गुलाब, गुलाब, गुलाब मतलब क्या, रोज, ठीक है, गुलाब मतलब रोज। आर ओ एस टी रोज। हाँ, ग में भू की मात्रा मिलाए तो कौन सा अक्षर बन गया, भू, और भू से कौन सा शब्द, गुलाब। हाँ, गुलाब मतलब रोज। हाँ, भू से और एक लिखेंगे गुड़िया, गुड़िया मतलब क्या, जो आपको पसंद नहीं हो, डॉल, गुड़िया मतलब डॉल, बी ओ डबल एल, डॉल। दूसरा लिखेंगे और एक शब्द लिखेंगे ब, ब प्लस उ की मात्रा बू। हाँ, बू, बू से बुलबुल, बुलबुल मतलब क्या, एक बर्ड, एक मतलब शर्ट, हम जो कहते हैं वो
अच्छा सो ऐसे ही शब्द और क्या कर रहे हैं हमको थोड़े से और एक थोड़े शब्द लिख रहे हैं ठीक है। तो मैंने सिर्फ ओ की मात्रा वाले शब्द थोड़े से यहाँ पर लिख कर दिए हैं दिखाए हैं सब और थोड़े लिखेंगे क्या इधर देखो पहले ये लिखेंगे गुलाब सर ये तो लिखे हमने हाँ गुलाब जामुन लिखेंगे ना गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन और क्या उनको होते हैं कछुआ मतलब पौधे गुलाब जामुन मतलब क्या है गुलाब जामुन मतलब एक स्वीट ठीक है सबको अच्छा लगता है गुलाब जामुन हाँ एक प्रकार का स्वीट कछुआ देखो चलो उनकी मतलब है कछुआ हाँ कछुआ बाद में है दुकान देखो जंगो की मात्रा दूध से दुकान सुनार 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 मतलब गोल्ड स्मिथ हाँ जो हमें सोने के गहने जो बना के देता है हाँ उसको क्या बोलते हैं गोल्ड स्मिथ देखो सुनार सुनार और क्या है झुमका कान में डालते हैं वो क्या है झुमका क्या बोलते हैं झुमका झुमका ओके तो ये क्या करना है आपको अपने टेक्स्ट बुक में मतलब नोटबुक में लिखना है हाँ तो देखो अभी अभी क्या है अभी दूसरे ओ की मात्रा और शब्द लिखेंगे ओके बड़े ओ की मात्रा और शब्द तो वो कौन कौन से हैं देखो अभी देखो स स प्लस ओ की मात्रा क्या हो गया घर में बनाते हैं कुरमा पूरी पूरी भाजी वो पूरी
देखो रू, रू से रुमाल, यहाँ अमरूद लिखेंगे, अ म रू द, देखो रघु की मात्रा आ लगी है बीच में लगाई है, रघु की मात्रा बीच में लगाई है, हाँ तो क्या हो गया अमरूद, अमरूद मतलब गावा, पेरू उसको क्या बोलते हैं गावा अमरूद। तो ये मैंने थोड़े एक चार पांच शब्द लिखकर बताए गए, सो मतलब उ की मात्रा व्यंजन में मिलकर उसे शब्द बनाकर मैंने दिखाई। देखो स, स प्लस उ की मात्रा सु, सु से सूरज मतलब सन, वाटरमेलन। हाँ तो देखो कितने सारे शब्द लिखे हैं मैंने, ऐसे ही क्या करना है आपको, आपको थोड़ा ढूंढ के लिखने की कोशिश करना। ओके तो और थोड़े शब्द लिखूं मैं, आलू देखो, आलू लघु की मात्रा लू, भालू देखो, खरबूज खर भूज खरबूज, बाद में कबूतर कबूतर कबूतर, देखो यहाँ बहु की मात्रा लगाई है बीच में है कि नहीं, कबूतर, बाद में रुमाल कौन सा लिखेंगे रुमाल, देखो भालू आलू खरबूज कबूतर रुमाल, और कौन से हो सकते हैं आ रूपा, अगर आपका आपके फ्रेंड का नाम है तो रूपा, झूला झूला मतलब स्विंग, अभी पंचमी में आपने खेला होगा कि नहीं, नाग पंचमी में के दिनों में झूला झूला का काटते कि नहीं, तो वो झूला, और झूठ झूठ, हाँ बाद में धूप, हम घर में धूप जला दे वो धूप, तो देखो कितने सारे शब्द लिखे हैं, तो ये क्या करना है आपको क्लास वर्क में लिखने हैं, क्लास वर्क ओके।
और इसका ये क्या करना है आपको, होमवर्क भी वन टाइम लिखना है, होमवर्क कब सर है वन टाइम। देखो ये तो क्या लिखे हमने, उ की मात्रा वाले, छोटे उ की मात्रा वाले और बड़े उ की मात्रा वाले शब्द लिखकर बताए हैं, तो वो क्या करने हैं आपको, एक बार पढ़ने हैं और एक बार लिखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, उ और उ का अभ्यास। ओके, तो आगे का पार्ट जो है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके।